Next topic should be there, bonding and coordination compounds. So coordination compounds ki study hui, to there were many scientists, many discoveries were done. Ki kyun bonding, kyun coordinate bond kis liye banta hai, kaise bonding ko explain kiya jaye, to uske liye bahut sari theories di gayi thi. One was valence bond theory, the other one was crystal field theory. Then I told you ek thi molecular orbital theory, jo ki aap already kar chuke ho class 11 mein. और एक था LCAO, linear combination of atomic orbitals. इन सारों ने जितनी भी थ्योरीज थी, इन सब थ्योरीज ने अपना एफर्ट डाला टू एक्सप्लेन कि कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कैसे होती है. जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तो बॉन्डिंग बहुत अच्छे से उसने एक्सप्लेन करा, मैग्नेटिक कैरेक्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा. जैसे हम ऑक्सीजन बोलते हैं कि ऑक्सीजन के पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर भी वो पैरामैग्नेटिक है. जबकि फंडा क्या होता है कि जिसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल, वही पैरामैग्नेटिक होता है. और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा होता है? व्हिच इज अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. और जिसके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डायमैग्नेटिक होता है. ये एक ट्रिक भी है जो आप कॉम्पिटिशन में यूज करते हो कि अगर आपको आया हुआ क्वेश्चन की विच अमंग्स द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, ओके, सो उसमें आपने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने होते हैं और फिर देखते हो कि वो इवन है कि ऑड है. मोस्टली जितने भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारा पैरामैग्नेटिक, और जितने भी इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे डायमैग्नेटिक, ओके. ऑक्सीजन एक एक्सेप्शन है. ऑक्सीजन के पास 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इन वन ऑक्सीजन एंड 8 इन द अदर ऑक्सीजन, 16 हो गए. 16 इज अ इवन नंबर, पर फिर भी वो पैरामैग्नेटिक है. तो उसका किस तरह से जस्टिफिकेशन दिया गया? दैट वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है. उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं क्योंकि एनर्जी लेवल डायग्राम्स जो है वो उस तरह से अरेंज रहते हैं. उसी तरह से जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की मैग्नेटिक कैरेक्टर हो गया, कोऑर्डिनेट कंपाउंड किस तरह से बनते हैं, ज्योमेट्री उसकी क्या होती है, वो सारी चीजें जो थी वो एक्सप्लेन की गई बाय वर्नर्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है. सो हम पहले वर्नर्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करेंगे आज, फिर हम क्रिस्टल बॉन्ड थ्योरी कल करेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. रिवाइज करना पड़ेगा ना थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसलिए हमने वो नहीं ना करेंगे सारे. वर्नर्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स हमने कर लिए, राइट. पोस्टुलेट्स से सेंट्रल मेटल एटम जो है वो डी वैलेंस जो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है वो देता है, ठीक है. उस वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में जो लिगेंड्स हैं वो आके बैठते हैं. जो लिगेंड्स हैं उनके पास क्या होना चाहिए? दे शुड हैव इलेक्ट्रॉन्स, राइट. नोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए या दे शुड बी नेगेटिवली चार्ज. और जो बॉन्डिंग होती है हमने करा था कि उसमें एन माइनस वन डी या एन डी दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन द बॉन्डिंग, ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट हाइब्रिडाइजेशन होती है, बिकॉज जितने भी ऑर्बिटल्स हैं दे शुड बी ऑल एट द सेम एनर्जी. तो जब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है तो उसमें एस भी पार्टिसिपेट कर रहा है, डी भी पार्टिसिपेट कर रहा है, पी भी पार्टिसिपेट कर रहा है. तो तीनों को सेम एनर्जीज में लाने के लिए हाइब्रिडाइजेशन होगी. और हमने करा था कि अगर एच जो है हाइब्रिडाइजेशन उसकी डिफरेंट फिगर्स आते हैं तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है. जैसे एच की वैल्यू आती है 4, तो उसकी क्या फिगर होगी? 4 अगर उसकी वैल्यू आई है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है? इधर इट कैन बी sp3 और इट कैन बी dsp2, ठीक है. उसी हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे ज्योमेट्री थी कि अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल होगी और अगर dsp2 है तो स्क्वायर प्लैनर होगी, ठीक है. फिर हाइब्रिडाइजेशन अगर 5 आती है तो पेंटागनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी. अगर हाइब्रिडाइजेशन 6 आती है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अ फ्यू कंपाउंड्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. फर्स्ट जो हम लोग करते हैं एग्जाम्पल, लेट्स ओनली सी द एग्जाम्पल्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6. कोऑर्डिनेशन नंबर 6. सो फर्स्ट एग्जाम्पल हम करेंगे सी आर
NH3 whole 6, 3 positive complex. Okay, अब Werner's theory की एक drawback ये थी कि according to its structure या according to the combination of chromium with the ligands, ये magnetic और paramagnetic character नहीं बताता था. Magnetic और diamagnetic और paramagnetic character पहले ही experimentally उसको determine किया जाता था और उसके basis पे फिर इसका structure दिया जाता था. जो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कैरेक्टर था वो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने. ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटेशन अगर हम देखें तो इट इज सेड दैट दिस कॉम्प्लेक्स दैट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. सो पैरामैग्नेटिक का मतलब हुआ इट शुड हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ओके, अब हमने इसको बनाना कैसे है, हमने ले लिया क्रोमियम. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की क्या है, इलेक्ट्रॉनिक 4s1 3d5, Cr3 पॉजिटिव की क्या होगी 4s0 3d3. ठीक है, यही होगी. सो अगर हम Cr3 पॉजिटिव की ड्रॉ करते हैं, d के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स. सो हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए 5 ऑर्बिटल्स में बिकॉज 3d3 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. उसके बाद आ गया 4s और 4p. ठीक है, दिस इज 3d 4s 4p. ओके, अब जब हमने इसमें देखना है कि लिगेंड्स अब कितने हैं, देयर आर 6 लिगेंड्स, तो यहां पे हमारे पास कितने वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, 6. सो 1 2 3 4 5 6. सो हर एक अमोनिया अपना एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें दे देगा. राइट, एक अमोनिया ने दिया, दूसरे ने दिया, तीसरे ने, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. और इसको आपने कैसे शो करना है, एरो पॉइंटिंग टूवर्ड्स द एम्प्टी ऑर्बिटल. ठीक है, उसी तरह से यहां पे भी NH3 NH3. ओके, और इसको हम डॉटेड लाइन के साथ एक सिंगल ब्लॉक शो कर देते हैं. राइट, अब यहां पे आप देख रहे हो कि देयर आर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर. ओके, इफ देयर आर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो आप कैसे इसको डिफाइन करोगे कि क्रोमियम इट हैज द कॉम्प्लेक्स हैज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, और हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या होगी, D2 SP3. So hybridization is D2 SP3. Now because inner d orbital is participating in bonding, inner d orbital is participating in bonding, therefore hum ise kya bulayenge, inner orbital complex. इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, राइट, जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो जनरली लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं. सो दिस इज लो स्पिन. लो स्पिन का मतलब कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर लेस. मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट रह सकते हैं दे कैन बी 5. सो इनर ऑर्बिटल जब भी पार्टिसिपेट करेगा तो इट इज अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. ओके, एंड फाइनली क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इट इज गोइंग टू बी पैरामैग्नेटिक. ठीक है, इज इट क्लियर?
ओके अब बुक्स में उन्होंने इसको भी ऑर्बिटल पिक्चर में ही शो करा रहा है सो नेक्स्ट एग्जांपल जो हम लेते हैं इट इज पैरामैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री एंड इनर डी कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट एग्जांपल व्हिच वी आर गोइंग टू टेक खुद बनाने की कोशिश करना इसको मैं भी साथ साथ बना रही हूँ Next is cobalt. NH3 whole 6, 3 positive. It is said that the complex that is diamagnetic in nature. Diamagnetic in nature, मतलब इसमें सारे electrons paired होने चाहिए. Okay? Electronic configuration बोलो. Cobalt की electronic configuration is what? 3P7 4S2 3P7 ठीक है सो कोबाल्ट को हम अगर 3 पॉजिटिव नहीं पहले अभी CO3 पॉजिटिव नहीं ड्रॉ कर रहे सिर्फ CO ड्रॉ कर रहे हैं जैसे आपको बुक्स में दिया है मैं वैसे बता रही हूँ ठीक है सो सबसे पहले हम CO ही ड्रॉ करेंगे तो CO में 3D7 है आ गया 4S या गया 4P सो दैट आप घर जाके फिर कंफ्यूज ना ना हो जाओ जब किताबें खोलोगे तो 4S2 3D7 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है एंड 4S2 राइट अब हम ड्रॉ करते हैं CO3 पॉजिटिव So, CO3 positive का मतलब 4S0 आ जाएगा 3D6 और 3D6 So, we have 5 orbitals But 4S1 और 3D5 नहीं आ जाएगा ज़्यादा stable 3D5 नहीं होगा कैसे 4S1 3D5 नहीं होना चाहिए पहले 4S0 होता है दोनों S के दोनों निकलेंगे पहले दोनों because यहाँ पे you have 2 paired ना already तो इसलिए सिंगली फिल्ड तो ये होगा ही नहीं 3D5 का मतलब सारे सिंगली फिल्ड होने चाहिए तो पहले 4S निकलेंगे दो दो और फिर एक यहां से निकलेगा सो अगर हम CO3 पॉजिटिव देखते हैं तो हमारे पास ऑर्बिटल पिक्चर इस तरह से बन जाएगी ठीक है दो ये निकल गए 4S के और एक ये निकल गया दिस इज अनपेयर्ड ये पेयर्ड और ये पेयर्ड राइट क्या गया 3D 4S 4P ओके अब यहां पे हमारे पास 6 लिगेंड्स के लिए रूम्स खाली चाहिए पर यहां पे हमारे पास 1 2 3 4 5 ही रूम्स खाली है अब इन दिस केस अनदर थिंग व्हिच वी नो इज के डायमैग्नेटिक है तो अगर ये डायमैग्नेटिक है तो यहां पे फोर्स्ड पेयरिंग होगी इसके डायमैग्नेटिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए ओके जब ये फोर्स्ड पेयरिंग हो जाएगी तो CO3 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर अब क्या बन जाएगा वन टू थ्री फोर ये फोर्स्ड पेयरिंग हो गई तो ये भी पेयर्ड हो गया ठीक है सिक्स लिगेंड्स ऑफ अमोनिया अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे 6 empty orbitals में single block show कर दिया and plus you have to show NH3 ठीक है अब इसकी हम फीचर्स क्या लिखेंगे फर्स्ट फीचर ऑक्टाहेड्रल सेम एज बिफोर सेकेंड फीचर V2SP3 हाइब्रिडाइजेशन थर्ड फीचर डायमैग्नेटिक फोर्थ फीचर इनर डी कॉम्प्लेक्स
inner orbital complex. ठीक है एंड लास्ट फीचर इसका क्या आएगा लोस्टर इट इज गोइंग टू बी लोस्टर ठीक अब यहां पे देखो आपको ऑलरेडी पता है कि वो डायमैग्नेटिक है कोबाल्ट के मोस्टली सॉल्ट्स जो होते हैं या बोरिनेट कंपाउंड्स होते हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं क्रोमियम के मोस्टली जो है वो पैरामैग्नेटिक होते हैं ठीक है सो अब कोबाल्ट का ये डायमैग्नेटिक पहले से पता था तभी हमने यहां पे पोस्ट पेयरिंग करी राइट अब अगर हम एक और एग्जांपल लें सपोज हम लोग ले रहे हैं COF6 3 नेगेटिव अब ये देखो ये ऑलरेडी बोल रहा है कि पैरामैग्नेटिक है ऑल्दो कोबाल्ट का है बट स्टिल इज पैरामैग्नेटिक क्या है हमारे पास COF6 3 नेगेटिव ठीक कोबाल्ट का उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 4s2 3d7 ठीक है CO3 पॉजिटिव की 4s0 3d6 ऑक्सीडेशन स्टेट तो 3 पॉजिटिव ही आएगी 6 - 3 एनायनिक कॉम्प्लेक्स है ये सिर्फ उससे कोऑर्डिनेशन मेटल की कोऑर्डिनेशन स्टेट जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आती है मेटल की कोऑर्डिनेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट सॉरी हमेशा पॉजिटिव ही आएगी ओके सो ये तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है विद 3 नेगेटिव चार्ज तो इस पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट को बाहर की फाइंड करनी है 6 - 3 + 3 आ जाएगा ओके सो ये 4s0 3d6 हो गया ओके अब इसका ड्रॉ कर लेते हैं हम 1 2 5 ओके ये आ गया 4s0 4d ठीक है पैरामैग्नेटिक हमको शो करना है ये तो 1 2 3 4 5 6 है ना अब पैरामैग्नेटिक शो करने के लिए अब हम क्या करेंगे इसमें COF6 है 4d ज्यादा तो नहीं ड्रॉ करा हमने एक जैसा लग रहा है 1 2 3 4 5 6 7 तो अब इसमें अनपेयरिंग होगी मतलब इसमें अनपेयर होगा एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि हमको ये इनर डी कंप्लीट फिल्ड चाहिए ओके तो अब इसमें अगर फोर्स अनपेयरिंग हो गई तो हमारे पास 3d कंप्लीटली फिल्ड है आप देखो कंप्लीटली इन द सेंस कि सिंगल इलेक्ट्रॉन हर एक में प्रेजेंट है 6 हो गए 1 2 3 4 5 6 अब इसमें आफ्टर डी 4d इज गोइंग टू पार्टिसिपेट दिस इज 3d 4s 4b 4d हाँ जैसे होता है ना कि ऑर्बिटल पहले सिंगली फील्ड होते हैं फिर वापस से तो वहां पे तो हमने सीधे सिंगली फील्ड ही था वो उसमें से हमने निकाल लिया एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जैसे यहाँ पे करा था हमने कोबाल्ट में सिंगली फील्ड ही था ना फिर CO3 पॉजिटिव स्टेट में 2 हमने s से निकाले और 1 इससे निकाला तब फोर्स अनपेयरिंग इसी वजह से की है ताकि वो जो एम्प्टी ऑर्बिटल था उसको हम फिल कर सके जब तक ये फिल नहीं होगा हम नेक्स्ट के ऑर्बिटल्स फिल नहीं कर सकते ओके अब हमको 6 चाहिए एफ तो 1 2 3 4 5 6 ओके तो यहां पे आ गया 1 2 फ्लोरीन F नेगेटिव सो जब आप इसकी आप फीचर्स लिखोगे तो फर्स्ट फीचर इसका क्या लिखोगे ऑक्टाहेड्रल तो है पर है
हाइब्रिडाइजेशन चेंज हाँ आउटर इज पार्टिसिपेटिंग इसलिए डी हमको बाहर की तरफ को लिखना पड़ेगा sp3d2 पैरामैग्नेटिक आउटर डी कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्पिन दोनों में डिफरेंस पता चल गया जब हम CONH3 पॉजिटिव कर रहे थे तो इट वॉज इनर डी लो स्पिन डायमैग्नेटिक और उसी तरह से जब हम कोबाल्ट का फ्लोरीन के साथ कर रहे हैं तो इट इज आउटर हाई स्पिन एंड पैरामैग्नेटिक ठीक है क्या नहीं आया समझ पूछ इसलिए क्योंकि इसको पहले से ही उन्होंने बोला एक्सपेरिमेंटली कि ये डायमैग्नेटिक है तो डायमैग्नेटिक के मतलब सारी इलेक्ट्रॉन्स पेयर होनी चाहिए ओके तो यहाँ पे तो दो अनपेयर ये शो कर रही है तो हमको इसको जबरदस्ती पेयर करना पड़ेगा तभी ये डायमैग्नेटिक कैरेक्टर शो कर सकता है तो जब इसको हम जबरदस्ती करेंगे पेयर तो ये दोनों जो है ये खाली हो जाएंगे तो हमें डी के दो ही चाहिए चाहे हम D2SP3 कर रहे हैं चाहे हम SP3D2 कर रहे हैं दोनों के लिए हमको डी के दो ही चाहिए यहाँ पे डी के दो खाली हो गए तो जब ये डी के दो खाली हो गए तो लेकिन यहाँ पे जाएंगे ना वेयरएज यहाँ पे जब आप देखते हो तो कह रहे पैरामैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक का मतलब अगर इन दोनों को हम देखें जब CO3 पॉजिटिव स्टेट कर रहे हैं तो 3D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमने फिल कर दी है ना सो जब 3D6 फिल कर दी तो एक ऑर्बिटल खाली रह रहा है यहाँ पे खाली तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमको दो चाहिए खाली दो खाली हो नहीं सकते क्योंकि अगर हम दो को इसको खाली करने की कोशिश करेंगे तो ये डायमैग्नेटिक शो होगा जो कि वो है नहीं वो पैरामैग्नेटिक है तो इसको खाली ना रखने के लिए हमको यहां से फोर्स्ड अनपेयरिंग करनी पड़ती है ताकि ये भर जाए तभी हम नेक्स्ट की तरफ को आउटर डी या आउटर डी ऑर्बिटल की तरफ को भर सकते ठीक है अदरवाइज ये अगर हम इसको अनपेयर नहीं करेंगे तो ये ऑर्बिटल खाली दिखेगा खाली कोई भी ऑर्बिटल शो नहीं हो सकता लोअर एनर्जी लेवल वाला जब तक लोअर एनर्जी वाले नहीं भरते हम हायर एनर्जी के भर नहीं सकते ओके 3D जो है वो लोअर एनर्जी लेवल पे है 4D से तो जब तक 3D हमारा कंप्लीटली फिल नहीं होता है कंप्लीटली इन द सेंस कि कोई खाली नहीं रहना चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है कि उसके पास डबल इलेक्ट्रॉन है सिंगली फिल्ड मिनिमम होना चाहिए तो ये सिंगली फिल्ड करने के लिए हमने इसमें फोर्स अनपेयरिंग करिए ताकि इसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर जो है उसे एक्सप्लेन कर सके सो कोबाल्ट जब अमोनिया के साथ लर्न आपने कैसे करना है क्रोमियम जब अमोनिया के साथ बनाया था क्योंकि वहां पे आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा होगा कि ये डायमैग्नेटिक ये तो अदरवाइज एक्सपेरिमेंटली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पहले ही हमको पता होना चाहिए कि वो डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है ये एक मेजर ड्रॉबैक भी है इसकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तो वहां पे नहीं पता होगा आपको ठीक है तो आपने याद रखना है कि जब हम क्रोमियम का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो वो पैरा है पर इनर है क्रोमियम का जब हम कोबाल्ट का बना रहे हैं तो डायमैग्नेटिक है और इनर है जब हम कोबाल्ट का एफ के साथ बना रहे हैं तो पैरामैग्नेटिक है और आउटर है ऑटोमेटिकली आउटर और इनर अपने आप ही आ जाएगा अगर आप इस कैरेक्टरिस्टिक को याद रखते हो तो आपको पता रहेगा कि डाई है तो इसका मतलब हमको पेयरिंग करनी है पैरा है तो इसका मतलब हमको आना है ठीक है क्लियर ये हाई स्पिन क्यों है और लो स्पिन क्योंकि इसमें मैंने बोला था कि अगर ज्यादा हाई स्पिन इसलिए होते हैं क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और सेकेंडली अगर आउटर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में तो वो हाई स्पिन होगा तो दो क्राइटेरिया है यहाँ पे कितने अनपेयर्ड कोई भी नहीं है ना इधर तो कोई भी अनपेयर्ड नहीं है जो हमने इससे पिछले वाला करा था उसमें दो अनपेयर्ड थे इसमें हमारे पास चार अनपेयर्ड है तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड होते हैं उनकी स्पिन कैंसिल नहीं होती जो पेयर्ड होंगे उनकी स्पिन एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगी क्योंकि एक क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है तो एक की स्पिन दूसरे से कैंसिल हो जाती है
जितने ज्यादा अनपेयर्ड होंगे वो सारे एक ही साइड को घूमेंगे तो उसकी जो स्पिन है दैट इज गोइंग टू बी हाई स्पिन. मोस्टली जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो सारे हाई स्पिन होते हैं और जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो सारे लो स्पिन होते हैं. ठीक है, सो एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं हम. लेट अस डू एन एग्जाम्पल ऑफ Fe(H2O)6 पॉजिटिव आयन. ये सारे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है. We are doing Fe(H2O)6. Three positive. Iron की electronic configuration 4s2 3d6. ठीक है, मतलब आ जाएगा. ओके, अब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज पैरामैग्नेटिक अगेन. सो पैरामैग्नेटिक हम जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट इज Fe3 पॉजिटिव. ठीक है, Fe3 पॉजिटिव का मतलब हाँ 1 2 3 4 5 4s2 3d5 Right? अब यहां पे भी पैरामैग्नेटिक हमको शो करना है तो हम इसे पोस्ट पे एयर नहीं कर सकते, हमको अनपेयर करना पड़ेगा. राइट, सो Fe3 पॉजिटिव अब हम कैसे शो करेंगे? आउटर डी कॉम्प्लेक्स बनेगा ये. We have water 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ठीक है, characteristics octahedral sp3d2 hybridization, outer orbital complex therefore it is high spin and paramagnetic. ठीक है, so this is how we are going to show the valence bond theory. so कुछ लिख लो आप जिसपे आपको सिर्फ डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ही मैं बता रही हूं. तीन हमने कर लिए. the first one which we did was hexaamine chromium 3 positive complex that is paramagnetic. second हमने किया hexaamine cobalt 3 positive complex which is diamagnetic. ठीक है, फिर हमने किया hexa fluorido cobaltate 3 negative complex which is paramagnetic. फिर हमने किया है hexa aqua iron 3 पॉजिटिव आयन व्हिच इज पैरामैग्नेटिक. फिर उसके बाद एक और लिख लो, उसकी ड्रॉ आपने खुद करने की कोशिश करनी है. हेक्सासाइनेटो फेरेट 2 पॉजिटिव, फेरेट 4 नेगेटिव आएगा, सॉरी हेक्सासाइनेटो फेरेट 4 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स. ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की इसमें 2 पॉजिटिव आएगी. This is a diamagnetic complex. Diamagnetic. उसी तरह से hexacyanato ferrate 3 negative.
is paramagnetic. दोनों साइनों के हैं, सिर्फ एक में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो प्लस टू है और एक में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो प्लस थ्री है, तो वो उसका पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कैरेक्टर जो है वो टोटली चेंज कर देता है. ठीक है, क्लियर हो गया. फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर फोर, ये भी आपने खुद से बनाने, मैं नहीं बना रही हूं, ये इजियर है. कोऑर्डिनेशन नंबर फोर, द फर्स्ट वन इज NiCN4 2 negative ion. NiCN4 2 negative ion, this is diamagnetic. इसमें चार ऑर्बिटल्स होंगे, जैसे इसमें छह ऑर्बिटल्स हम फिल कर रहे हैं उसमें चार ही फिल करेंगे. ठीक है, दिस इज डायमैग्नेटिक. फिर सेकेंड कॉम्प्लेक्स इज NiCl4 2 negative ion, this is paramagnetic. Third is NiCO whole 4, this is again diamagnetic. ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस आपको, एज आई जस्ट टोल्ड यू, कि किस तरह से आते हैं, कि आपको दे दिया जाएगा एक कॉम्प्लेक्स और बोला जाएगा कि देखो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. तो आपने पूरा ये डायग्राम ड्रॉ करना है और इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि वो डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है पहले से, अदरवाइज आप वहां जाके फिर कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि आउटर डी. तो आपने कॉम्बिनेशंस जो है वो याद रखनी है कि एफ पी की कॉम्बिनेशन अगर इसके साथ बन रही है तो पैरा है, एक टेबल सा बना के रख लेना है. अगर आयरन की कॉम्बिनेशन इसके साथ बन रही है तो वो डाई है. ठीक है, अगर कोबाल्ट की इसके साथ बन रही है तो वो पैरा है, कोबाल्ट की इसके साथ बन रही है तो वो डाई है. उसी तरह से क्रोमियम की इसके साथ बन रही है तो पैरा है, क्रोमियम की इस तरह से बन रही है तो डाई है. जनरली हमारे पास तीन ही मेटल्स जो है वो आपके सिलेबस में है, वन इज कोबाल्ट, वन इज क्रोमियम एंड वन इज आयरन, ओनली थ्री. देयर आई थिंक थ्री एग्जांपल्स, और उसमें भी एक लिगेंड आपका, तीन ही लिगेंड्स यूज किए हुए, एक लिगेंड अमोनिया यूज किया हुआ है, एक लिगेंड आपका साइलेट यूज किया हुआ है, एक एक्वा यूज किया हुआ है, और एक किसी में अगर हेलोजन यूज किया होगा तो. ठीक है, सो आज हम यहीं तक करते हैं. Tomorrow we will begin with the CFT and finish with coordinating parts.